नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के अपने दूसरे सहयोगियों को बड़ा मैसेज दिया है। आप जानते हैं, महागठबंधन में सिर्फ सीटों की खींचतान को लेकर झगड़ा नहीं रहा है, बल्कि सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर भी अक्सर कलह होती रही है और अक्सर सहयोगियों के बीच विवाद सामने आता रहा है। जिस तरीके से आरजेडी ने सीएम उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के चेहरे का प्रस्ताव दिया है, उनको घोषित किया है कि तेजस्वी यादव ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, उससे महागठबंधन के कई सहयोगी सवाल उठाते रहे हैं। तो तेजस्वी यादव दिल्ली में हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव में वे महागठबंधन के उम्मीदवारों का प्रचार कर रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने बड़ा मैसेज दिया है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी पार्टी ने मेरे नाम का प्रस्ताव दिया है सीएम उम्मीदवार के रूप में, महागठबंधन के दूसरे सहयोगियों ने अपना कोई सीएम उम्मीदवार नहीं घोषित किया है और बिहार की जनता जिसे चाहेगी महागठबंधन के सहयोगियों को भी वो मानना पड़ेगा। यानी एक तरह से तेजस्वी यादव की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है कि एक तो उनकी पार्टी ने उन्हें सीएम उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है, दूसरी तरफ महागठबंधन के सहयोगियों को भी उन्हें सीएम पद का चेहरा मानना पड़ेगा। तो बड़ा संदेश है, बड़ा मैसेज है तेजस्वी यादव का अपने सहयोगियों के लिए। और लगातार महागठबंधन में झगड़ा रहा है सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर, महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन होगा और महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी हैं, खासकर वीआईपी पार्टी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और कांग्रेस, ये तीन दल लगातार ये कहते रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए। वही कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय करेगी कि महागठबंधन का नेतृत्वकर्ता कौन होगा, वही कोऑर्डिनेशन कमेटी ये तय करेगी कि जब महागठबंधन की सरकार बनने की स्थिति होगी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद, तो सीएम कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा महागठबंधन की ओर से। और कांग्रेस जैसे दल की राय तो यह भी रही है कि जब 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाए तब महागठबंधन की ओर से सीएम पद का ऐलान किया जाए, तब चुनाव के बाद कोई सीएम का चेहरा घोषित किया जाए। लेकिन तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि मेरी पार्टी ने मेरे नाम का ऐलान कर दिया है, बिहार की जनता अगर मुझे चाहेगी तो सहयोगी भी नहीं रोक पाएंगे, सहयोगियों को भी साथ देना पड़ेगा और इस बार बिहार की जनता ने मूड बनाया है कि डबल इंजन की सरकार को उखाड़ फेंकना है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिहार के सियासत के लिहाज से, बयान दिल्ली से आया है तेजस्वी यादव का। बिहार में सियासी गर्माहट बढ़ सकती है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।